भारतीय इंडियन नाट अकेडमी में पटवा अनावरण के मौके पर हमारे मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी जगत के आदि कवियों में से एक हैं। आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये एक हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी जगत के लोग मानने वालों के लिए एक अच्छा कदम है। क्या मानते हैं जिस तरह से आजकल प्रबुद्धवंग सम्मेलन चल रहे हैं सपा के? देखिए, जिन्होंने कुछ किया नहीं है वो सम्मेलन भी करेंगे, जाति उन्माद भी फैलाएंगे और विभिन्न प्रकार वोट पाने के लिए जो भी छदम धर्म निरपेक्षता का भाव हो सकता है उसको छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया 450 साल, तो हमें सब चीज की जरूरत थोड़ी, हम तो सतत काम करते रहते हैं। प्रधान जी को इस समय अच्छी कुशल व्यक्ति है, हमारे तो शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। का कहना है कि जो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो बहुत सही किया गया है। यहाँ का भवन जीर्ण शीर्ण हालत में था, उसको भी बेहतर तरीके किया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ में जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी खड़ी बोली युग की शुरुआत की थी, उसके लिए उनका एक जो सम्मान जो किया जाना बाकी था वो यहाँ पर आज किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं, सपा द्वारा हो रहा है, बसपा द्वारा हो रहा है, कह रहा है इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके जनता का ध्यान खींच रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 4.5 साल में जो काम किया है, जो उपलब्धियाँ रही हैं, उन्हीं के साथ विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी।